हाय गाइस वेलकम बैक टू परीक्षा गुरु एकेडमी हम लेकर आए हैं आपके लिए फिर से एक बार साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके रेलवे एग्जाम एनटीपीसी ग्रुप डी डीआरडीओ एमटीएस सभी एग्ज़ाम के लिए गाइस अगर आप मेरे साथ साइंस के क्वेश्चन लगाते हैं तो आप यकीन मानिए आपका इंडिया का कोई भी एग्ज़ाम गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो आपका कोई भी सिंगल क्वेश्चन गलत नहीं होगा गाइस वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबा लें जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए और इस हमारे टेलीग्राम चैनल ग्रुप परीक्षा गुरु एकेडमी बरेली को ज्वाइन करें शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन निम्न में से कौन सा जानवर पराधुनी उत्पन्न करता है हाथी पारपोइसिस शार्क या पतंगा तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर कमेंट करें जल्दी से तो इसके राइट आंसर की बात करें तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हार्बर पारपोइसिस जो कि आपका यूनाइटेड स्टेट्स में पाया जाता है ये पराध्वनि जो होती है पराधुनी एल्टीट्यूड ये मतलब जो जीव जानवर होता है ये समुद्र के ऊपरी तल पर रहता है जब यह ध्वनि निकालता है तो ये इसकी आवाज़ सीधे आसमान में जाती है तो यूनाइटेड स्टेट्स ने इसे खतरनाक पिनाड़ी घोषित किया हुआ है क्वेश्चन नंबर टू एक सुचालक का प्रतिरोधक निम्न में से किस कारक पर निर्भर नहीं करता लंबाई पर पदार्थ पर दाब पर या डी अनुपृष्ट भाग क्षेत्रफल पर तो किस पर निर्भर नहीं करता क्या हो जाएगा राइट आंसर तो इसके राइट आंसर की बात करें तो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी दाप पर देखिए जो आपका किसी भी तार का प्रतिरोध जो होता है वो लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है और किसी भी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के वित्रमा होता है तो ये क्या बन जाता है आर बराबर फिर जब इसे इसका जो अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो फिर क्या हो जाता है एल अपॉन ए और फिर यहाँ पे जो हल्का सा पी आता है ये इसे बोलते हैं विशिष्ट प्रतिरोध याद रखें तो किस पर निर्भर नहीं करता है दाब पर देखिए अगर लंबाई आप कम कर देंगे तो क्या होता है फिर प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है लंबाई ज्यादा कर देंगे तो प्रतिरोधक क्षमता ज्यादा हो जाएगी क्वेश्चन नंबर टू वो तीन ओ टू माइनस ये इस तरीके से लिखा हुआ है आपका बता देता हूं मैं आपको ओ टू माइनस नहीं नहीं ये इस तरीके से नहीं तो इसका हो जाएगा ये इस तरीके से लिखा होगा ओ टू माइनस तो इसमें पूछा है कि आयन में संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है चार छ आठ दस कितने लोगों ने केमिस्ट्री पढ़ी है अच्छा पढ़ी तो बहुत लोगों ने होगी चाहिए ये संयोजकता इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो आपके बैलेंस इलेक्ट्रॉन बोले जाते हैं चलिए मैं बता देता हूँ देखिए ऑक्सीजन की ऑटो में ऑटोमिक जो नंबर होता है मतलब परमाणु संख्या कितनी होती है आठ होती है और जो ऊपर जो माइनस लगा होता है तो माइनस का मतलब क्या होता है माइनस का मतलब होता है कि मतलब दो ऐड होना तो ये इस तरीके से लिखा हुआ ओ टू ओ टू माइनस करके तो ऊपर जो है माइनस दो तो क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे तो कितने हो जाएंगे टेन तो बैलेंस इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई टेन लेकिन अगर आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगेशन मतलब इलेक्ट्रॉनिक विनयास निकालते हैं तो कितना हो जाता है टू और एट तो ये इस तरीके से निकलता है तो क्या हो जाएगा इसका संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या राइट आंसर ऑप्शन सी आठ अगर जिन लोगों ने भी हमारी मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगेशन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं पढ़ा है तो कोचिंग में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और आपका ये संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालना सारी चीजें बताइए आप वहां से पढ़ लें फिर उसके बाद ये क्वेश्चन देखेंगे आपके पक्का समझ में आ जाएगा क्वेश्चन नंबर फोर्थ हाइड्रोजन का द्रव्यमान ऑक्सीजन के द्रव्यमान के, के अनुसार में सदैव होता है वन रेशो एट टू रेशो वन एट रेशो वन या वन रेशो टू चलिए अच्छा क्वेश्चन है थोड़ा यह आपका पिछली बार 2018 में ग्रुप डी में पहुंचा गया था तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन ए बन रेशो एट अच्छा ये होता है कैसे है चलिए मैं बता देता हूं इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करके आपको देखिए ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक मास कितना होता है ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना होता है सोलह और हाइड्रोजन का कितना होता है एक तो हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा दो हो जाएंगे तो ये इस तरीके से तो दो अट्ठे सोलह तो आठ रेशो आ जाएगा अब पूछा कैसे अब आप क्रम ध्यान रखें हाइड्रोजन का द्रव्यमान और ऑक्सीजन का द्रव्यमान तो हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना हो गया एक हो गया ऑक्सीजन का आठ हो गया तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एक रेशो आठ देखते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव जब तक किसी पिंड पर असंतुलित बल लागू किया जाता है तब तक इसकी डेड डेड डैश में निरंतर परिवर्तन होता रहता है भार में द्रव्यमान में आकृति में या चाल में जैसे मान लीजिए कोई पिंड मतलब चल रहा है तो चलता जा रहा है कोई पिंड आ रहा है तो आता जा रहा है तो उसमें क्या लगातार जो होता है वो परिवर्तन होता रहता है तो क्या परिवर्तन होता रहता है उसकी चाल में जाहिर सी बात है किसी अगर कोई भी पिंड है लगातार चल रहा है तो उसकी चाल में लगातार परिवर्तन हो रहा है क्वेश्चन नंबर सिक्स निषेचित अंडा युग्मज किसमें समाविष्ट होता है अंडाशय में गर्भाशय में योनि में या डी गर्भाशय ग्रीवा में तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका यह भी आपका लास्ट ईयर ग्रुप डी का क्वेश्चन है 2018 का तो इसके राइट आंसर की बात करें ऑप्शन बी गर्भाशय में जो भ्रूण बनता है वो आपका गर्भाशय ही बनता है क्वेश्चन नंबर सेवन देखते हैं निम्न में से कौन सा तत्व रासायनिक प्रतीक लैटिन से लिया गया है मतलब लैटिन भाषा से लिया गया है लैटिन से लिया गया है ये ऐसे होगा लैटिन भाषा में कौन सा तत्व होता है थोड़ा सा मिस्टेक है तो क्या हो जाएगा लैटिन भाषा भी किसे बोला जाता है कौन सा लिया गया है एल्युमिनियम क्लोरीन कार्बन या आयरन लैटिन भाषा से कौन सा तत्व लिया गया है तो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी आयरन आयरन जो कि आपका एफ ई इसका वो क्या होता है एफ ई होता है रासायनिक सूत्र तो एफ ई कहां से लिया गया है लैटिन भाषा से लिया गया है इसका लैटिन भाषा में क्या बोलते हैं फेरम बोला जाता है लैटिन भाषा में फेरम बोला जाता है क्वेश्चन नंबर एट धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन का निर्माण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी धातु बाष्प के साथ अभिक्रिया करती है मतलब धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन का निर्माण करने के लिए अच्छा क्वेश्चन जो लोग ने डीपली साइंस पढ़ी है वही लोग इसका क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं जिन्होंने धातु के बारे में पता हो गया कि धातु भंगर होती है धातु बहुत जल्दी तन्यता अच्छी है। मतलब जो तन्यता होती है वो बहुत होती है धातुओं को ढाला जा सकता है आसानी से अगर धातु के बारे में पता होगा जिसे तो वो इसका आंसर दे देगा तो धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन का निर्माण करने के लिए निम्न में से कौन सी धातु बाष्प के साथ अभिक्रिया करती है मतलब कि जल के साथ अभिक्रिया करती है एल्यूमिनियम कॉपर लेड या सिल्वर तो इसके राइट आंसर की बात करें अरे बी नहीं होगा बी के कॉपर दे दिया तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एल्यूमिनियम देखिए जो एल्यूमिनियम और जिंक होता है ये आपका धातु ऑक्साइड क्रिया करके एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड बनाते हैं जो कि अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रकृति व्यवहार दिखाते हैं हाइड्रोजन जो होते हैं वो धातु के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन जो होता है वो धातु जो होती है वो आपका जल के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन देती है क्वेश्चन नंबर नाइन निम्न में से क्या ठोस द्रव, गैस और तीनों रूपों में पाया जाता है धातु निष्क्रिय अधातु या क्वेश्चन है ठोस द्रव, गैस तीनों रूपों में पाया जाता है तो आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन ए धातु मतलब धातु जो होती है ठोस द्रव, गैस तीनों अवस्था में पाई जाती है क्वेश्चन नंबर टेन पौधों में लचीलापन ऊतक डेड डैश किस ऊतक के कारण होता है जाइलम स्केलेन काइम कोलेनकाइम या फ्लोएम तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर ए दे रहे हैं बच्चे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कोलेनकाइम कोलिन पाइम एक जो तत्व होता है ऊतक पाया जाता है पौधे के अंदर इसकी वजह से पौधों में लचीलापन आता है अच्छा पौधों में जो पानी होता है वो किसके द्वारा पहुंचता है तो आपका जाइलम के द्वारा और पौधों में जो खाना होता है वो किसके द्वारा पहुंचता है फ्लोएम के द्वारा फ्लूएम ऊतक के द्वारा क्वेश्चन नंबर इलेवेंथ निम्न में से कौन सा जंतु गर्म रक्त वाला होता है कबूतर मछली मेढक या मगरमच्छ तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा इजी क्वेश्चन है सबका आंसर आ गया ए बहुत लोगों ने दे दिया बहुत अच्छे राइट वेरी गुड तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कबूतर कौन से जंतु का गर्म रक्त होता है कबूतर का देखिए जो भी जिनका ठंडा गुण होता है वो आपके मेढक हो गए रेप्टाइल्स मतलब कि सरी सिर्फ हो गए छिपकली हो गए इनका खून जो होता है वो क्या होता है रक्त होता है ये किसी भी अवस्था में अपने आप को ढाल सकते हैं किसी भी उसमें रह सकते हैं लेकिन कोई और बाकी जिनका खून गर्म होता है उनका क्या होता है वो हमेशा एक समान अवस्था में रहते हैं जैसे कि इंसान हो गया स्थनदारी हो गए जितने भी हो गए सारे स्तनदारी हो गए कबूतर हो गया इनका रक्त क्या होता है गर्म होता है तो ये हमेशा एक ही उसमें पारे में रहना होता है जैसे मनुष्य का मनुष्य का हमेशा पच्चीस से तीस डिग्री सेंटीग्रेड रहता है तो वो इतना ही वो मतलब इतने मतलब जितना लिमिट होती है उतने में ही रहेगा यह नहीं होगा कि आप उसे ज्यादा या कम में नहीं रह सकता तो वो गर्म खून कहलाता है क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व एक व्यक्ति दीवार को धक्का देता है और उसे विस्थापित करने में असफल हो जाता है तो उसके द्वारा किया गया कार्य कितना होगा एक से ज्यादा शून्य एक से कम या अपरिवर्तित तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शून्य जाहिर सी बात है देखिए अगर किसी दीवार को आप धक्का लगा रहे हैं वो चीज वहाँ से विस्थापित नहीं हुई तो वो कार्य क्या हो जाएगा आपका किया गया कार्य क्या होगा शून्य होगा क्वेश्चन नंबर थर्टीन जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके भार में क्या परिवर्तन होता है भार में वृद्धि होती है भार में कमी होती है परिवर्तित रहता है इनमें से कोई नहीं तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन बी भार में कमी होती है देखिए जो पृथ्वी के भार पर चंद्रमा पर कितना होता है वन बाई सिक्स होता है तो भार में क्या कमी क्या होगी कमी होगी याद रखें जो द्रव्यमान होता है वो सेम ही रहता है लेकिन भार जो होता है वो अलग होता है भार क्या होता है W बराबर एम होता है जो बाहर जो होता है वो गुरुत्वीय त्वरण के साथ चेंज या बदल सकता है और जो द्रव्यमान होता है द्रव्यमान क्या है आपका पृथ्वी पर अगर सौ के जी है तो चंद्रमा पर भी सौ के जी होगा लेकिन अगर पूछा जाए कि वहां पर कितना होगा चंद्रमा पर तो चंद्रमा पर हंड्रेड बाई सिक्स हो जाएगा चलिए देखते आगे क्वेश्चन नंबर फोर्टीन एक पार कितने प्रकाश वर्ष के तुल्य होता है थ्री पॉइंट टू सिक्स प्रकाश वर्ष नाइन पॉइंट फोर सिक्स 2 फोर पॉइंट टू जीरो टू या थ्री पॉइंट टू जीरो अच्छा ये बताइए दूरी का सबसे बड़ा मात्रक कौन सा होता है तो आपका क्या होता है पार्सिक होता है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए थ्री पॉइंट टू सिक्स प्रकाशवर्ष अच्छा एक वर्ष एक लाइट ईयर बराबर कितना होता है तो एक लाइट ईयर बराबर होता है नाइन पॉइंट फोर सिक्स इंटू टेन की पावर फिफ्टीन या सिक्सटीन मीटर तो एक लाइट ईयर बराबर कितना होता है नाइन पॉइंट फोर सिक्स इंटू टेन की पावर फिफ्टीन मीटर या सिक्सटीन मीटर याद रखे देखिए एक क्वेश्चन से मैंने आपको दो क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन यदि कोई वस्तु बिराब में है तो उसका बेग कितना होता शून्य होगा ज़्यादा होगा या कम होगा या परिवर्तित रहेगा इसी क्वेश्चन है गाइस आराम से हो जाएगा हाँ बहुत अच्छे कुछ बच्चों ने ये दे दिया बहुत बढ़िया अब लग रहा है पढ़ाई कर रहे हैं बच्चे अच्छे से तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन ए शून्य कोई वस्तु ब्राह्म अवस्था में है तो जाहिर सी बात है क्या होगा शून्य होगा ये केवल ऐसे क्वेश्चन आपके साइकोलॉजी पे डिपेंड करेंगे दूध से मक्खन निकालने की मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है अभी केंद्रीय बल के सिद्धांत पर अब केंद्रीय बल के सिद्धांत पर ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं बोल रहे हैं कि अब लगा सर हमारा पड़ा हुआ क्वेश्चन आ गया अरे गाइस मैं जो आपके लिए क्वेश्चन लाता हूं वो थोड़े अच्छे लेवल के होते हैं अगर ये वाले आपने क्वेश्चन जो है आपके लिए लेकर आ रहा हूं अगर ये आपने लगा लिए तो इंडिया का कोई भी एग्जाम आपसे बाहर नहीं होगा बस आप अच्छे तरीके से लगा लें और जो मैं बोलता हूं एक एक क्वेश्चन के साथ और बहुत सारी डिटेल होती है वो भी आप नोट कर लें तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन बी अभी के अब केंद्रीय बल दूध से मक्खन निकालने की मशीन क्या करती है अभी केंद्रीय अपकेंद्रीय बल पर काम करती है अच्छा एक क्वेश्चन और आता है साइकिल सवार अगर वो मुड़ जाता है तो किस बल के कारण मुड़ जाता है अभी केंद्रीय बल के कारण मुड़ जाता है क्वेश्चन नंबर सेवेंटीन पानी के अंदर धुनी तरंगे ज्ञात करने के लिए कौन सा यंत्र उपयोग किया जाता है फैदोमीटर हाइड्रोमीटर हाइड्रोफोन या फिर माइक्रोस्कोप तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर जल्दी से बताए कमेंट करके अरे ये दे दिया बोले फैदोमीटर होता है उन्होंने सोचा पानी के अंदर एक ही चीज है तो इसका राइट right आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हाइड्रोफोन एक बात बताएं जो समुद्र के अंदर चीजें गुम हो जाती हैं उनके लिए पता लगाने के लिए फैदोमीटर का यूज होता है बट यहाँ पर क्या पूछा है ये पानी के अंदर धुनी तरंगें ज्ञात करने के लिए तो किसका यूज होगा हाइड्रोफोन का क्वेश्चन नंबर एटीन परमाणु नाभिक किसने खोजा था गोल्डस्टीन ने रदरफोर्ड ने डॉल्टन ने या जेजे थॉमसन ने तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन बी रदरफोर्ड ने परमाणु नाभिक किसने खोजा था रदरफोर्ड ने अच्छा ये बताइए परमाणु नाभिक की खोज किसने की थी एक ट्रिक बता देता हूं इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की तो आपका जेजे थॉमसन ने और न्यूट्रॉन की चैडविक ने लेकिन न्यूट्रॉन की खोज 1888 में सबसे पहले गोल्ड हिस्ट्री ने की थी गोल्ड ने उसका नाम नहीं दिया था तो उसकी खोज खींचने की बाद में चैटबिक ने उसका नाम दे दिया अब प्रोटॉन की खोज तो क्या हो जाएगा रदर ने की देखिए बता दिया मैंने एक से चार क्वेश्चन ऐसी गाइज आप भी याद करने की कोशिश करें क्वेश्चन नंबर नाइनटीन देखते हैं ताप बढ़ने पर पानी के कोथनांग पर क्या प्रभाव पड़ता है कुनाक बढ़ता है कुतना घटता है आप परिवर्तित रहता है या डी इनमें से कोई नहीं तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर जाहिर सी बात है क्या होगा इसका ऑप्शन ए बढ़ता है ताप बढ़ने पर पानी का कुतना क्या होता है बढ़ता है बॉइलिंग पॉइंट जिसे बोलते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी पहाड़ों पर जल जल्दी क्यों उबलने लगता है दाब कम होने के कारण दाम ज्यादा होने के कारण दाम लिख दिया दाब होगा दाब ज्यादा होने के कारण या फिर गुप्त ऊष्मा के कारण या इनमें से कोई नहीं तो क्या हो जाएगा बताएं कमेंट करके जल्दी से आज ज्यादा बच्चे नहीं आए हैं हम्म जुड़ने लगे हैं वेरी गुड गाइस एक का आंसर आ गया तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन ए दाब कम होने के कारण पहाड़ों पर दाब कम होने के कारण जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो दाब क्या हो जाता है कम होता जाता है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन कैलोमेल रस कपूर होता है लाइट क्लोराइड मर्क्यूरिक क्लोराइड मर्क्यूरस क्लोराइड या कैल्शियम सल्फेट देखते हैं कितने लोग इसका आंसर सही बताते हैं और गाइज आप फुर्टी में से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए या गलत हुए आप कमेंट करके बताएं ताकि हमें पता लगे कि आप कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं आज जो, आज जो है हर एक बच्चा अपने कमेंट करके क्वेश्चन बताएगा कि इतने क्वेश्चन हमारे सही हुए तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन सी मर्क्यूरस क्लोराइड कैलोमेल रस कपूर जो कि आपका पारे का एक भाग होता है इसका उपयोग दवाई वगैरह में किया जाता है जो कि एक जहरीली तत्व होता है जहरीली गैस होती है ये क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू चीनी के घोल को अल्कोहल में परिवर्तित करने की प्रक्रिया इसका एक उदाहरण है किसका उदाहरण है साबुनीकरण हाइड्रोजनीकरण किड़बर्ण या जलीय अपघटन तो चीनी के घोल को एल्कोहल में परिवर्तित करने की प्रक्रिया क्या है किसका उदाहरण है ऑप्शन सी किड़बन का किसका केड़बन का देखते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री निम्न में से किसे हिमोड़ मोरेन कहते हैं हवा से फूका हुआ द्रव्य हिम नदी द्वारा जमा किया गया द्रव्य नदियों द्वारा छय हुआ द्रव्य लहरों से छय हुआ द्रव्य तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी हिम नदी द्वारा जमा किया गया द्रव्य देखिए हिम नदी जो होती है मतलब जैसे कि जो बर्फ वाली नदी होती है उसके द्वारा जो जो भी जमा किया जाता है उसे हिमोड़ या मोरेन कहा जाता है उसके द्वारा आकृति जैसे आपने देखा होगा पहाड़ की आकृतियां बन जाती है तो उसे हिमोड़ मोरेन कहा जाता है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर कोशिका का कोशिका द्रव्य होता है कोशिका केंद्र के बाहर का जीव कोशिका केंद्र के अंदर का जीव द्रव्य कोशिका केंद्र के बाहर और दिल्ली दिल, के बीच का जीव या जीव तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर एनटीपीसी 2016 में पूछा गया क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है देखते हैं कितने लोग सही आंसर देते हैं इसका तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ऑप्शन बी कोशिका केंद्र के अंदर का जीवद्रव्य देखिए ये कोशिका यह जो सेल होता है आपका कोशिका होती है कोशिका और कोशिका के जीव द्रव्य के बीच का पार्ट होता है जीवद्रव्य क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव वनस्पति में पानी के स्थानांतरण के लिए ये कोशिकाएं जिम्मेदार होती हैं दृढ़ो तक बलकल काष्टु तक या स्थूल कोना तक कोशिका अगर जो जो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर देगा तो समझ लीजिए उसकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे लेवल की है बहुत अच्छे लेवल की ये आपको हर किसी को क्वेश्चन ये आंसर पता होगा लेकिन बस क्या है ना इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी टफ है चलिए मैं बता देता हूँ इसका क्या हो जाएगा तो इसका राइट right आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कास्ट ऊ तक जिसे इंग्लिश में बोला जाता है जाइलम क्या बोला जाता है जाइलम बोला जाता है जो क्या है पानी जो पौधे पानी लेते हैं वो किसके द्वारा लेते हैं ज़ाइलम के द्वारा तो ज़ाइलम को हिंदी में क्या कहते हैं कास्ट ऊतक कहते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी सिक्स सही समय दिखाने के लिए आधुनिक घड़ियों में इससे बने संतुलन चक्र डाले जाते हैं इस्पात से प्लेटिनम इनवर या टंगेस्टर्न तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर तो ऑप्शन सी इनबर इनबर की एक ऐसी धातु होती है जो घड़ियों में आपने देखा हो सुइयों में डाली जाती है ये मतलब एकदम सही समय दिखाती है अगर और कोई आप आपके स्वाद का डाल देंगे तो वो सही समय नहीं दिखाएगा रुक जाएगी कहीं आगे निकल जाएगी इस तरीके से होता है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन किसी वस्तु पर कार्य करने वाले गुरुत्व को डेट डैश डैश के रूप में जाना जाता है द्रव्यमान के रूप में तुरड़ के रूप में आवेग के रूप में या भार के रूप में तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर किसी वस्तु पर कार्य करने वाले गुरुत्व को किस रूप में जाना जाता है जल्दी से बताएं तो इसके राइट आंसर की बात करें तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन डी भार क्योंकि ये जो देखिए आपका कोई भी गुरुत्वीय त्वरण पर कैसे निर्भर करता है डब्लू बराबर क्या होता है एम जी तो एम जी होता है द्रव्यमान तो हर जगह सेम एक ही रहता है लेकिन गुरुत्वीय त्वरण का मान कंबड़ हो जाता है तो ये गुरुत्वीय किस वस्तु पर कार्य करने वाले ग्रुद को किस रूप में जाना जाता है भार के रूप में जाना जाता है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट स्तनधारियों में स्वेत ग्रंथिया मुख्यता इससे संबंधित है अतिरिक्त लवण का निष्कासन नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट द्रव का उत्सर्जन ताप नियंत्रण या यौन आकर्षण तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर तो इसके राइट आंसर की बात करें आपका हो जाएगा ऑप्शन ए अतिरिक्त लबड़ का निष्कासन श्वेत ग्रंथिया जैसे कि आपने देखा होगा हमारा पसीना निकल जाता है तो श्वेत ग्रंथिया हमारा निकल जाता है तो क्या होता है अतिरिक्त जो लबड़ होते हैं उसका निष्काशन हो जाता है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन पीएच शब्द यह दर्शाता है घोल का तापमान घोल का बाष्पीय ताप घोल का आयनिक बल घोल का अम्लता या क्षारकता तो यह तो सभी ने दे दिया होगा तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी घोल का अम्लता या क्षरकता अच्छा ये बताइए पीएच खोज की पीएच पैमाने की खोज किसने की थी तो 1909 में सौरथ ने की थी अच्छा देखिए ये क्या होता है पीएच पैमाना इस तरीके से होता है सात तक होता है और यहाँ पर सात होता है सात पर क्या होता है ये न्यूट्रल होता है बिल्कुल तो इधर जब बढ़ते हैं तो एच प्लस का मान बढ़ता है और जब इधर बढ़ते हैं तो ओ एच माइनस का मान बढ़ता है ये याद रखें और बीच में अच्छा ये बताइए जल का पीएच मान कितना होता है तो जल का पीएच मान शून्य होता है मतलब स, बीच में रहता है नाम होता है ना चार होता है क्वेश्चन नंबर थर्टी निम्न में से किस हेलोजन की इलेक्ट्रॉन सदस्यता सबसे अधिक होती है तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन सी डी फ्लोरीन तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्लोरीन, क्लोरीन ब्रोमिन आयोडीन ये आपका सत्तरवे समूह में आते हैं तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन सदस्य किस, अधिक किसकी होती है फ्लोरीन की होती है क्वेश्चन नंबर थर्टी वन जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है तो घूर्णन करती हुई वस्तु की केंद्र की ओर लगने वाला बल क्या कहलाता है ये तो मैंने अभी बताया भी था तो क्या हो जाएगा इसका ये क्या लिख दिया कोड़ीय बल साधारण बल या अभिकेंद्रीय बल या गुरुत्वाकर्षण बल तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी अभिकेंद्रीय बल इजी क्वेश्चन था सभी को आता होगा क्वेश्चन नंबर थर्टी टू एक हल्के और भारी पिंड का संवेग एक समान है तो इसमें किसकी ऊर्जा अधिक होगी हल्के पिंड की दोनों की गतिज ऊर्जा एक जैसी होगी भारी पिंड की या उपयुक्त में से कोई नहीं तो किसकी गतिज ऊर्जा अधिक होगी तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हल्के पिंड की हल्के पिंड की गतिज ऊर्जा अधिक होगी अच्छा संवेग तो जानते ही होंगे आपका संवेग क्या होता है पी बराबर एम बी और चाल और आयतन क्वेश्चन नंबर थर्टी थी। निम्न में से किस विकल्प उस लबड़ का उदाहरण है जिसके जलीय विलयन का पीएच मान सात से कम होता है सोडियम कार्बोनेट का सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड या अमोनियम क्लोराइड तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर चलिए थोड़ा वक्त ले लीजिए बता दीजिए इसका आंसर तो इसके राइट आंसर की बात करें आपका हो जाएगा ऑप्शन डी अमोनियम क्लोराइड तो ये आपका क्या होगा पीएच वन किसका साथ से कम होता है एनएच फोर सी एल जिसे नौसादर भी कहा जाता है क्या बोला जाता है इसे नौसादर भी कहा जाता है अमोनियम क्लोराइड को देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर परमाणु परमाणु जिनकी परमाणु संख्या एक जैसी होती है लेकिन द्रव्यमान द्रव्यमान अलग द्रम्बान संख्या अलग अलग होती है तो उन्हें क्या कहते हैं संभार परमाणु समवय समन्यूट्रॉनिक या समस्थानिक इजी क्वेश्चन है तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन डी समस्थानिक जो आपके क्या नाम है मतलब परमाणु संख्या अलग अलग होती है वो परमाणु संख्या एक जैसी होती है द्रव्यमान संख्या अलग अलग उन्हें समस्थानिक कहते हैं और जिनकी द्रव्यमान संख्या एक जैसी होती है और परमाणु संख्या अलग अलग होती है तो उन्हें संभारी कहा जाता है क्वेश्चन नंबर थर्टी फाइव लाइक शैवाल किससे संबंधित है शैवाल और काई शैवाल और बुधन काई और बुधन उत्त में से कोई नहीं तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन ए शैवाल और काई शैवाल जो कि आपका एलगी बोलते हैं और काई को क्या बोलते हैं फंजाई कबक बोला जाता है और बुधन ये भी आपकी एक तरह की काई होती है क्वेश्चन नंबर थर्टी सिक्स बर्फ की तुलना में कंक्रीट फर्श पर चलना आसान है क्योंकि कंक्रीट बर्फ से ज्यादा घर्षण प्रस्तुत करती है बर्फ कंक्रीट से अधिक घर्षण प्रस्तुत करता है बर्फ़ की तरह बहुत शीत में होती है या कंक्रीट सख्त होती है जबकि बर्फ़ नरम होता है तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन ए कंक्रीट बर्फ़ से ज़्यादा घर्षण प्रस्तुत करती है जाहिर सी बात है आप कंक्रीट पे चलेंगे तो वो घर्षण प्रस्तुत करेगी और आप जो है चिपक के चलेंगे और बर्फ़ का क्या हो जाएगा आप फिसलेंगे क्योंकि वो घर्षण नहीं कर पाएगी क्योंकि उसकी सतह चिकनी होती है हीरा चमकीला दिखाई देता है क्योंकि उसका घनत्व अधिक होता है वह बहुत महंगा होता है वह रेडियोधर्मी होता है यह संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण कहीं ऐसा तो नहीं कुछ बच्चे बी लगा दें बोले वो बो, बहुत महंगा होता है इस वजह से चमकीला दिखाई देता है अरे नहीं समझदार हैं गाइस तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हीरा कैसा दिखाई देता है चमकीला दिखाई देता है क्वेश्चन नंबर निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है लोहे में जंग लगना मैग्नीशियम का जलना आयोडीन का उत्पादन पानी का विद्युत तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर रासायनिक परिवर्तन नहीं है जल्दी से बताएं थोड़ा सोच के तो इसका राइट right आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी आयोडीन का वेपोराइजेशन जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं आयोडीन का ऊर्व पातन ये रासायनिक परिवर्तन नहीं है क्वेश्चन नंबर थर्टी नाइन आधुनिक मापन पद्धति इस धारणा पर आधारित है चंद्र दिवस सौर दिवस नक्षत्र दिवस या इनमें से कोई नहीं अच्छा क्वेश्चन है देखते हैं कितने लोग आंसर देते हैं इसका आधुनिक समय मापन पद्धति किस पर आधारित है इस टाइम में आपका नक्षत्र दिवस पर क्वेश्चन नंबर फोर्टीन फास्जीन का रासायनिक नाम है फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड, फॉस्बीन कार्बोनिल क्लोराइड या ऑक्सी क्लोराइड तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर चलिए मैं बता देता हूँ थोड़ा टफ क्वेश्चन है ये हालांकि ये पिछली बार एन में पूछा गया था तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी कार्बोनिल क्लोराइड इसका फार्मूला होता है सी ओ सी एल और फाजिंग मतलब कार्बोनिल क्लोराइड जो होता है वो एक जहरीली गंद वाली गैस है गाइस हमारी वीडियो कैसी लगी और वीडियो के कमेंट करके ज़रूर बताएं और अपना स्कोर कार्ड कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट होता है तो उस क्वेश्चन का डाउट आप क्वेश्चन नंबर लिख के कमेंट कर सकते हैं जिससे कि हमारी टीम आपको कमेंट किया जवाब देने की पूरी कोशिश करेगी गाइस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें आपके एक वीडियो शेयर से हमारे अंदर मोटिवेशन आता है और हम और अच्छे कोशिश क्वेश्चन देने की कोशिश करते हैं और हमारे टेलीग्राम चैनल परीक्षा गुरु अकैडमी को ज्वाइन करें और जिन लोगों ने अभी अभी लाइक नहीं किया है तो वो अभी लाइक कर दें ओके बाय